हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और मैं आपके चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने ये पीकॉक की ड्राइंग जो ड्रॉ की थी, हमने आपसे बोला था कि इसके अगले पार्ट में हम इसे कलर करना सीखेंगे। जैसा कि हमने आप सबको बोला था कि ये कोई रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं है, ये बस आपको सीखने के लिए एक बेस है। हर पैटर्न में जो पीकॉक की ड्राइंग होती है, अगर आपको किसी डिज़ाइन के थ्रू उसको करना है तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सीखने के लिए हम बस आपको एक बेस तैयार कर रहे हैं। जैसे कि एक पीकॉक होता है, सिंपल से डिज़ाइन बनाने के लिए किस तरह से आप उसे बना सकते हैं, किस तरह से उसमें कलर फिल कर सकते हैं, बस हम आपको यही समझाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने इसकी सिंपल सी ड्राइंग की है, वैसे ही सिंपल सा कलर भी करेंगे। और मेरे पास स्केच कलर तो है नहीं, पर मैं ये कलर यूज़ करने वाली हूँ, वाटर कलर पेंसिल्स है, पर मैं इसे वाटर कलर नहीं करूँगी, एज ए पेंसिल कलर इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो कलर पेंसिल्स है ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इसके कलर से काफ़ी प्यारे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कलर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो शेडिंग देखे दिए हैं अगर, तो जो भी पेंसिल रहता है बीच में, फिर शेडिंग रहता है, कोई भी पैचेस रहते हैं, उसे क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तब तक कलर आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो पैचेस दिखेंगे। और जो हमने ये किया है इसे भी हम मिटा देंगे, ये डायरेक्ट हम ड्रॉ कर लेंगे बाद में। ओके, ऐसे करिए कि ये हल्का हल्का दिखे आपको, ताकि आप ड्रॉ कर सकें वापस से। कलर करने के लिए हम पूरी की पूरी ड्राइंग होती है वो हल्की सी लाइट करेंगे। बिल्कुल लाइट हो चुका है, देख सकते हैं जो डार्कनेस था वो इरेज कर दिया मैंने। ये जब तक आप इसे लाइट नहीं करोगे तब तक इसका कलर अच्छे से निकलेगा। सो पहले हम यही कलर करेंगे, क्योंकि रंग कलर सकते कोई वो नहीं है, कमिंग फिगर ये है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आपके आउटलाइन से। आउटलाइन में कोई ऐसा कलर चूज करेंगे जो आसानी से छुप सके, जबकि आउटलाइनिंग है आप इसे रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिक जो ड्राइंग होती है वो सीखने के लिए ऐसे करना ज़रूरी होता है, जहाँ आपको लगे वहाँ ड्राइंग कर सकते हैं, वरना ना भी करें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये कलर लाइट होता है तो कोई से थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा दबाव देके हार्डली करना पड़ेगा, ताकि ये डार्क कलर निकलता रहे इसका। लाइन हो गई, इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये रियलिस्टिक नहीं है, तो जो रियलिस्टिक पिकअप होते हैं उनसे कंपेयर ना करें। ये बस एक ड्राइंग है, बेस है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसका ये इसका ऊपर का क्या बोल सकते हैं इसको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर ये जो ये होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियसली पूछ तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोल सकते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। कोई भी बात हो आप मुझसे जो भी बात शेयर करना चाहें कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और इसके आगे मैं मेरे वीडियोस पे अपने सारे ओपिनियन शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, या फिर मैं इसमें और क्या कुछ कर सकती हूँ, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो प्लीज़ ज़रूर बोलें। आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे कलर के लिए आपको फिलअप करना है, तो एक तरह से पहले जितना भी काम है वो पूरा करें। स्टार्ट
जिसकी गाइडलाइंस होती हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक ड्राइंग ही है, बेस है। तो आप चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिन बच्चों को ड्राइंग आती है उसमें आराम से चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हैं। इसकी लाइनिंग आप पहले दे दीजिएगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अगर आप पहले से लाइनिंग नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखें कि लाइनिंग दे रहे हैं, क्योंकि बाद में जब आप ड्राॅइंग करेंगे तो ये सब मिट चुकी होगी, ये रही हमारी लाइनिंग। हम लाइट क्रीम लेंगे और इसका ये वाला पोर्शन है, ये पूरा लाइट क्रीम से कोशिश करेंगे बनने की, फिर इसमें डार्क क्रीम भी ऐड करना है। मैं काफ़ी लाइट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर से दूसरा कलर रखेगा, बिकॉज पीकॉक का एकदम ये लाइटली जो शेड क्रीम होता है ये कलर नहीं होता है। तो किसी कलर में करेंगे
थी और लाइनिंग कर देते हैं। हालांकि ये कलर्स वाटर कलर है जिसकी वजह से ये क्लियर आ नहीं रहा है, बट फिर भी क्लियर करने के लिए मैं लाइनिंग कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे ये आउटलाइनिंग में मार्कर पेन से कर रही हूँ और जो छोटे बच्चे हैं अगर ये ट्राई कर रहे हैं तो वो ये ट्राई ना करें, इससे ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। आप इसके लिए पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आप जो पेंसिल है कोई डार्क पॉइंट की पेंसिल लेकर इसे आउटलाइन करें। स्टूडेंट्स हैं जो छोटे हैं काफ़ी, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के हैं, वैसे डार्क पेंसिल से करने की कोशिश करें क्योंकि पेंसिल हो सकता है कि बाई चांस अगर एक भी स्ट्रोक इधर गया तो वो ख़राब हो जाएगा। कलर्स बिल्कुल ही लाइट है जिस वजह से काफ़ी डल दिख रहा है, पर अगर आप अच्छा वाला कलर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा दिखेगा। फिर मुझे कुछ ड्राइंग समझानी थी, उम्मीद करती हूँ कि ड्राइंग आप सबको ज़रूर समझ में आई होगी। तो ड्राइंग आपको कैसी लगी और इसके बाद आपको जो कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्राइंग जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नई ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।